दोस्तों, ये है ऑल न्यू 2024 मॉडल यामाहा की R15 सुजुकी वाइट कलर है। दोस्तों, इस बाइक की खास बात क्या है बताएं आपको। इस बाइक का है इंजन, ये 150 सीसी की बाइक 200 सीसी 250 सीसी की बाइक की मतलब वाट लगा देती है, मतलब उसको पीछे छोड़ देती है परफॉर्मेंस के मामले में। एंड इंजन के अगर हम स्पेक्स की बात करें तो भी भाई इसका इंजन काफी दमदार मिल जाता है। फिलहाल ये 2024 मॉडल है, इसके बारे में जानेंगे क्या चेंजेस हैं, अपडेट है, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। जो भी आपके मन में डाउट होगा सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। उससे पहले, इंजन से पहले भी आता है कुछ अच्छी चीजें। देखो यहाँ पे देखो, VVA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन, इसमें एक ऐसा फीचर्स मिल जाता है जिसकी वजह से इस बाइक में टॉप एंड आपको काफी अच्छा मिल जाता है दोस्तों, इसी की वजह से दोस्तों। और इसमें आपको लीन एंगल सेंसर मिल जाता है जो कि सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप बाइक चला रहे हो कोई, राइट, तो बाइक लेके जा रहे हो, बाइक चांस आपका डिसबैलेंस होता है ना, आपकी बाइक जो है गिर जाती है। जैसे ही 45 डिग्री के नीचे ये बाइक जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिक इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। देन आपकी बाइक मतलब आपकी व्हील रोटेट नहीं होगी एंड फिसल कर आगे तक नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है हम बाइक छोड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं होता, बाइक के साथ में होते हैं एंड फिसलते हुए हम भी जाते हैं, बाइक भी जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो आपको इसमें लीन एंगल सेंसर मिल जाता है भाई, जो कि बहुत ही गजब का है। तो एक्सीडेंट होने पे आपकी बाइक जो है बंद हो जाएगी, फिसल कर आगे नहीं जाएगी, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेन तो हम बात कर रहे थे इंजन के बारे में, पहले इंजन के बारे में अच्छे से आपको बता दूँ। पहले मैं आपको इसका रेडिएटर दिखा देता हूँ, वहाँ पे अंदर आप देखो, देख सकते हो काफ़ी बड़ा रेडिएटर आपको मिल जाता है भाई। इसमें आपको मिल जाता है कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल, जो कि बहुत ही गजब का होता है। इसकी वजह से जो इस बाइक में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, साथ में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। देखो हर एक बाइक में क्या होता है, पावर अच्छा मिल जाता है, टॉर्क अच्छा मिल जाता है, लेकिन कूलिंग सिस्टम अगर अच्छा नहीं मिलता तो फिर बाइक में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी पावर एंड टॉर्क लेके रख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपको इसमें कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं मिलता। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम है, इसके ऊपर तो फिलहाल अभी कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, अगर आया तो वो मैं आपको बता दूंगा। सो इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। इंजन की बात कर लेते हैं, ये फुल फेयरिंग बाइक है तो इंजन आपको नहीं दिखने वाला, अंदर की तरफ रहने वाला है। इसमें आपको मिल जाता है 155 सीसी का इंजन, और अगर हम इसके मैक्सिमम पावर की बात करें तो आपको मिलने वाले 18.4 पीएस, वो भी 10,000 आरपीएम पे। देखो दोस्तों आरपीएम कितना जनरेट हो रहा है, 10,000 आरपीएम। एंड टॉर्क की बात करें तो आपको मिलने वाले इसमें 14.2 न्यूटन मीटर 7,500 आरपीएम पे। टॉर्क में भी आरपीएम काफी अच्छा जनरेट हो रहा है, पावर एंड टॉर्क तो आपको मिलते हैं, साथ में आरपीएम कितना अच्छा आपको जनरेट मिलता है। तो ये रहे इसके पावर एंड टॉर्क। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व दोस्तों, साथ में आपको FI लिक्विड कूल कूलिंग सिस्टम, साथ में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी दोस्तों। और साइड फेयरिंग देखो भाई, व्हाइट कलर में कितनी कड़क लग रही है, R15 की ब्रांडिंग, वर्जन 4 की ब्रांडिंग। एंड ये जो आप स्टीकर देख रहे हो सिल्वर कलर का है, ये रेड कलर का है, जो कि काफी खूबसूरत सा लग रहा है, और इसके कलर एंड ग्राफिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैच भी कर रहा है। साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, टैंक आप देख सकते हो पूरा व्हाइट कलर का, यामाहा का लोगो, यूनिक सा डिजाइन। फ्यूल टैंक भाई आपको इसमें मिल जाता है 11 लीटर का, माइलेज बहुत ही गजब की भाई, ऐसी माइलेज आपको 125 सीसी में देखने को नहीं मिलती जितना आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 50 के आसपास माइलेज मिलने वाली, माइलेज के बारे में भाई आप कंपेयर कर नहीं सकते इस बाइक को। E20 का स्टिकर देख सकते हो, तो आपको E20 OBD2 दोनों मिलने वाला है। एंड यहाँ पे दिया गया है मोटर कनेक्ट, मतलब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसमें मीटर कंसोल देखो कितना बड़ा आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको इसमें मोड्स मिल जाएगा, मोड्स को आप यहाँ से स्विच चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्विच मिल जाएगी, यहाँ से आपको जो इन्फो या फिर मोड चेंज करना हो यहाँ से आप कर सकते हो। EQ स्विच आपको हो गई, ये आपका पार्किंग लाइट मिल जाती है इसमें। एंड यहाँ आपको हो जाता है ब्रेक लीवर, थोड़ा सा हैंडल बार मैं सीधा कर देता हूँ। एंड स्प्लिट ट्रेसिंग आपको हैंडल बार मिल जाता है, जो कि कंफर्ट एंड लुक दोनों को इनहेंस कर देते हैं। और यहाँ पे आपको अदर स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न, ये आपका क्लच लीवर, आपको इसमें स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। मीटर कंसोल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आपका RPM, स्पीड, फ्यूल, ये आपका टाइम बताएगा, ओडोमीटर। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, सो कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे इंडिकेट करेगा एंड आपको पता चल जाएगा। एंड आपका रियल टाइम माइलेज भी बताने वाला है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा इसमें। और बाकी आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको अदर इंडिकेटर मिलने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ABS के यहाँ पे। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, वो इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो मीटर कंसोल ऐसा कुछ रहने वाला है, काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है दोस्तों। तो टैंक एंड मीटर कंसोल के बारे में हमने जान लिया, अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। तो सीट आपको स्प्लिट मिल जाती है दोस्तों इसमें,
कंफर्ट की बात की हमें बता दो, राइडर को तो अच्छा मिलेगा लेकिन पिलियन राइडर को ओके टाइप का मिलने वाला है। डिवाइडर दिया गया है ताकि झटके लगे तो स्लिप होके आगे ना आए पिलियन राइडर, और यहाँ पे आपको की से एक्सेस मिल जाएगा, सीट ओपन कर सकते हो। तो ये बाइक मोस्टली अगर हाईवे पे से ले जा सकते हो, सिटी पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए राइडर एंड पिलियन राइडर को दोनों प्रॉब्लम होने वाली है। एंड अगर आप जैसे 100-150 किलोमीटर चलाते हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उससे ऊपर जाते हो तो दिक्कत होने वाली है। पिलियन राइडर को तो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी अगर आप आधे घंटे के ऊपर राइड करते हो तो पिलियन राइडर को प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। और कंफर्ट के मामले में राइडर को काफी अच्छा कंफर्ट देगी ये बाइक। और ये रही इसकी टेल लाइट जो कि आपको मिल जाती है एलईडी इंडिकेटर, इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। तो रियर से ओवरऑल बाइक कुछ ऐसे ही दिखने वाली है। और भी हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर हमने नहीं किया साइड से। यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा जो कि प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक फैला है। और ये रहा इसका चेचिस, ये पूरा पार्ट आपको मेटल का मिलने वाला है। राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड, पिलियन राइडर फुटरेस्ट, इसका एग्जोस कुछ ऐसे रहने वाला, सिंपल सा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये सारा आपको फाइबर का मिलने वाला है दोस्तों। और सीट कवर आप देखो जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है, वीवीए की ब्रांडिंग। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, यहाँ पे दिखाना भूल गया, आपको टायर हगर भी मिल जाता है इसमें। एक बार मैं आपको फुल व्यू दिखा दूँ इधर से। सो भाई ये व्हाइट कलर में कितनी कड़क लगी है दोस्तों, बहुत अच्छी लगी मुझे तो ये। मुझे लगता है R15 का सबसे बेस्ट कलर है, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इधर से भी दिखा देता हूँ क्योंकि नज़दीक से क्या होता है समझ में नहीं आता गाड़ी दिखती कैसी है बाइक। भाई आप देखो क्या बवाल चीज़ है। और अभी मैं आपको इसके फ्रंट का लुक दिखा देता हूँ। तो भाई आपको वही विंडशील्ड 2-स्टेप फोल्डेबल मिरर मिलने वाले हैं, नंबर प्लेट यहीं पे लगेगा। एंड हेडलाइट आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिलने वाले हैं, DRL। इसके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रंट का डिजाइन पर्सनली मुझे इस बाइक का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये कलर पे तो बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा है। पुरानी वाली में क्या था, हेडलाइट में इतनी अच्छी ब्राइटनेस नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है पूरी की पूरी कमी पूरी कर दी गई है भाई, बहुत ही गजब की मतलब आपको विजिबिलिटी मिलने वाली है। और सस्पेंशन तो भाई बहुत ही कमाल के हैं, आपको मिल जाता है गोल्डन कलर के USD फोक सस्पेंशन फ्रंट में दोस्तों। एंड रियर में भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर की, और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो रियर वाला जैसे आपकी हाइट हो या फिर जैसे आपको राइड करना हो। और अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल इसके टायर। तो टायर की क्या बात, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये फ्रंट एंड रियर के दोनों टायर आपको ट्यूबलेस एंड रेडियल मिल जाते हैं भाई। रेडियल से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। जब हम कॉर्निंग करते हैं इस बाइक से तो स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ये बाइक पकड़ के चलती है। उसका रीज़न ये है कि कॉर्निंग करते समय ये जो साइड साइड के जो वॉल हैं ये सॉफ्ट होती हैं, बीच का हार्ड होता है। जब हम कॉर्निंग करेंगे तो ये सॉफ्ट होकर मतलब रोड को एकदम पकड़ के रखेंगी एंड स्लिप नहीं होंगी, तो रेडियल होना काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और टायर साइज फ्रंट में आपको 100/80 की मिल जाएगी दोस्तों। रियर का देखो, रियर का आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिल जाता है। एंड रियर का टायर साइज की बात करें भाई, टायर साइज ढूंढना काफ़ी दिक्कत की बात है, मतलब काफ़ी मेहनत की बात है। वैसे आपको रियर टायर साइज इसमें मिलने वाले 140/76 की। एंड गजब तो बात आती है इसकी व्हील की, भाई देखो ऑरेंज कलर की व्हील काफ़ी तबाही मचा रही है दोस्तों। आप देखो एक अलग ही लुक निकल के आ रहा है। और एक अच्छी बात इनकी ये है, देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर का छोटा सा स्टिकर दिया है बस बॉडी पे, और साथ में पूरी व्हील ऑरेंज कलर की कर दी है। ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर जो बोलो, ज़्यादा मुझे कलर का नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो 17 इंच की एलो व्हील मिल जाती है फ्रंट एंड रियर में। डिस्क ब्रेक की बात करें, रियर का डिस्क आपको छोटा देखने को मिलने वाला है 220 mm का, और फ्रंट का आपको बड़ा देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम कंपेयर करें इस सेगमेंट में जितने भी डिसाइज आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट का 270 देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिलने वाला 285 mm का दोस्तों। तो फ्रंट का डिस्क अदर सेगमेंट से देखें तो काफ़ी बड़ा मिल जाता है। और आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, बाइब्रे के ब्रेक के हेल्पर आपको फ्रंट एंड रियर में मिलने वाले हैं। तो ब्रेकिंग की बात करें, आपको समझौता करने का कोई भी जरूरत नहीं, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों ने राइट साइड से इस बाइक को देख लिया है, मैं आपको लेफ्ट साइड से एक बार दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, थोड़ा सा स्पेस कम है। आप यहाँ पे आपको सेम स्टिकर वर्क एंड ग्राफिक देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड, गियर पैड एंड साइड स्टैंड में साइड स्टैंड या कट ऑफ सेंसर आपको मिलने वाला है। डुअल स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, चैनरे वैसे कुछ रहने वाली है, छोटा सा सारी गार्ड आपको मिल जाएगा। ओवरऑल जैसे हमने ये बाइक राइट साइड से देखी थी वैसे बाइक लेफ्ट साइड से दिखती है। इसके कुछ की फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने इसके सारे की फीचर्स आपको बता दिए, लेकिन फिर से मैं एक बार रिमाइंडर देता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट मिल जाता है वीवीए, दूसरा आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर आपको मिल जाएगा दोस्तों इसमें, और स्लिप पर क्लच आपको मिल जाता है, लीन एंगल सेंसर मिल जाता है। और भाई ये तो मतलब फीचर्स हुए। और इसकी बेस्ट बात क्या है भाई, फर्स्ट नंबर इसका लुक है, सेकंड नंबर इसकी माइलेज है। भाई ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है 50 के आसपास। लुक तो आप देख सकते हो, खासकर इस कलर में बहुत ही कड़क दिख रही है भाई। और अगर आप एक ऐसे राइडर हो जिसे मतलब ट्रैक पे चलाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा स्पीड में मतलब ज़्यादा भगाना पसंद है, तो उसके लिए बाइक बनी है, इस बाइक की तरफ जा सकते हो भाई।
इसका पोस्चर कुछ ऐसे रहने वाला है, ऐसे आपको चलाना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, मुझे पसंद थोड़ा मतलब हैंडल बार ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ पसंद है, कुछ लोगों को यही पसंद होता है। तो टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है दोस्तों, 150 के आसपास आपको इसमें टॉप स्पीड मिल जाती है। मतलब सब कुछ इसमें मिलने वाला है, फीचर से लेके माइलेज से लेके, एंड कम्फर्ट की थोड़ी सी मतलब शिकायत रहने वाली है। सिर्फ राइडर को कम्फर्ट मिलेगा, बिलियन राइडर को सिर्फ ओके टाइप का ही मिलने वाला है दोस्तों। राइडर को वो भी अगर वो ज़्यादा लॉन्ग राइड करेगा तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होने वाली है, बैक में पेन होने वाला है। बाकी अगर सिटी राइड करता है या छोटी मोटी रेगरेस करता है तो उसके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो मेरी हाइट देख सकते हो, मेरी हाइट है 5.9 फीट, मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठा हूँ, फुल फीट मेरा टच है। तो जिनकी हाइट रहने वाली मेरे हिसाब से 5.4 या 5 के आसपास, वो भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 6.2 तक जिनकी हाइट है वो चला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट होगी तो नी थोड़ा आगे जाएगी, देन प्रॉब्लम होने वाली है। और वैसे भी वो वैसे बैंड होके बैठेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा हाइट के लोग ज़्यादा बैंड होके ऐसा चलाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है, बैक पेन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किस बाइक का रिव्यू देखना चाहते हो, किस बाइक पर वीडियो देखना चाहते हो, आप लोग कमेंट करें, मैं बना दूंगा उस पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।